ट्रेंड मैं आज आपको बताऊंगा ये सैमसंग लेवल्यू हेडफोन के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सैमसंग का हेडफोन है, जो इसमें प्राइस लिखा हुआ है, मतलब इसमें प्राइस दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो प्राइस है वो तकरीबन तकरीबन इसका प्राइस जो है इधर 2999, मतलब इतना रुपया। लेकिन मैंने इसको सिर्फ 2499 रुपीस में ख़रीदा इसको। आप देख सकते हैं ये हेडफोन जो है मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलता है, फास्ट कॉपी। आप देख सकते हैं इसका जो नाम है सैमसंग लेवल्यू, ये RGB मतलब लाइट जलता है जब इसमें लाइट पड़ती है तब। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये मतलब शो करेगा आपको इस तरीके का। आप फॉन्ट में भी देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है लाइट पड़ने के बाद। तो ये जो है ये हेडफोन ओरिजिनल है, और डुप्लीकेट में ये सिर्फ वाइट कलर में होगा। आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल का जो बॉक्स है उसमें ही, ये जो हेडफोन का बॉक्स है उसमें ही इसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है, मतलब पीछे और सामने दोनों तरफ इसका ब्रांडिंग का नेम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा नेम और पीछे जो नेम है ये ही इसका ही कलर चेंज होगा, लेकिन ये इस सब का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, नीचे भी एक स्टिकर लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है आप देख सकते हैं ये जून 2019। ये 2-3 साल मतलब पुराना है इसका मॉडल, अभी भी ये मार्केट में ज़्यादातर यही बिकता है। इसका डिज़ाइन जो है, लुक जो है, वो बहुत पसंद आती है सबको। तो मैंने इसको ख़रीदा है, मतलब बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक हेडफोन ख़रीद लूँ। मैं बूट का भी हेडफोन ख़रीदा था लेकिन वो ख़राब हो गया, बाद में मैंने इसको परचेस किया, आज ही परचेस किया इसको। आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट इस तरीके से बॉक्स को देख कर ही पहचान सकते हैं। मतलब अगर ये जो लिखा हुआ है मतलब लेवल्यू, इसका अगर कलर चेंज होता है इस तरीके से करने पे तो ये ओरिजिनल है, अगर कलर नहीं चेंज होता है तो ये डुप्लीकेट है। तो चलिए फ्रेंड, इसको खोल के देख लेते हैं मुझे और क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। इस तरीके से इसको आप खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो प्लास्टिक है ये आप एक बार ही रिमूव कर सकते हैं, 2-3 बार ये रिमूव नहीं होगा। ये कंपनी की तरफ से इसी प्रकार इसका जो स्टिकर है ये आप देख सकती है, जो ओरिजिनल वाले है हेडफोन उसमें इस तरीके का कटा हुआ मिलेगा आपको। इसका जो मतलब जो भी स्टिकर होगा, इधर काट मार्क, इधर काट और इधर काट मार्क मिलेगा आपको, जो आप रिमूव करने के बाद दोबारा नहीं लगा सकते पैकेट में। देख सकते हैं ये काट मार्क, आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे दोनों तरफ इस तरीके का स्टिकर मिलेगा आपको, इस तरीके का काट मार्क मिलेगा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर जो है ऊपर भी आपको ये इस तरीके का काट मार्क मिलेगा आपको। देख सकते हैं इस इधर एक है और आगे एक है, जो एक बार ही रिमूव होता है, 2-3 बार नहीं। आप सिर्फ इसको एक बार ही रिमूव कर सकते हैं स्टिकर को, और एक बार रिमूव होने के बाद ये दोबारा पैकेट में नहीं लगता है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर ये हेडफोन अगर ये स्टिकर टूटा हुआ है तो मत लीजिएगा, अब दूसरा नया मतलब सील पैक ही खरीदेगा। अगर वो दुकानदार अगर आपके सामने ही खोल के देते हैं तो कोई बात नहीं, वो ओरिजिनल ही होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। आप सिर्फ उसका जो स्टिकर है वो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मतलब जो फास्ट कॉपी मिलती है मार्केट में उसका स्टिकर इतना, मतलब उसका बॉक्स बॉक्स पैकिंग इतना अच्छा नहीं होता है।
तो आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अभी चमकाई है, मतलब धूप में लेने लेने से ये पैकेट ज़्यादा ये चमकता है, लाइट में ये ज़्यादा नहीं चमकता। तो इस तरीके से चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है और पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, और जैसे कि इसमें मुझे एक मैनुअल गाइड मिलता है जो बहुत मोटी है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें एक QR स्कैनर कोड भी है, आप देख सकते हैं, ये साइड में रख देते हैं हम। और आप देख सकते हैं ये हेडफोन जो मैंने इसको लिया, ये एक्चुअली ब्लू कलर में है। ये हेडफोन जो है बहुत चमक रहा है हेडफोन, आप देख सकते हैं बहुत चमक रहा है ये हेडफोन। और मुझे इसमें तीन अलग अलग बार्ट मिलता है जो आपके मतलब हेयर के अनुजाई, ये सॉरी कान जब आप लगाते हैं इसको वो हेयर बार्ट है ये। ये तो मुझे तीन मिला और एक इसमें लगा हुआ रहता है इनबिल्ट कंपनी के तरफ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेडफोन जो है ये बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का है, और आप भी इसको खरीद सकते हैं मार्केट से। ऑनलाइन में ये थोड़ा कम मिलता है प्राइस में। तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक स्कैनर कोड है, ये कोड और आपका बॉक्स का पीछे ये जो सीरियल नंबर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो सीरियल नंबर है आप देख सकते हैं लास्ट में YVS। और इसका जो है सीरियल नंबर सेम ही होगा ओरिजिनल में, देख सकते हैं आप Y, मतलब ये देखिए YVS, और पैकेट में भी देख सकते हैं YVS ही है। तो ये है ओरिजिनल हेडफोन, और आपको इधर भी मिलेगा वो सीरियल नंबर, आप इस बैंड में भी आपको मिलेगा सीरियल नंबर, इसमें भी मिलेगा आपको वो सीरियल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और दूसरे वीडियो बनाने के लिए। ये मुझे कोई कंपनी की तरफ से मतलब नहीं मिला, तो सॉरी मैं ये गिव अवे में नहीं कर सकते। अगर मुझे कंपनी की तरफ से कोई भी चीज़ मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो गिव अवे रखूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है इस हेडफोन के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं, और ये एक बार चार्ज करने के बाद ये आपको लगातार आप 6 आवर तक इसको चला सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बरसात में आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि बारिश पड़ने पर इसका जो स्पीकर है वो ख़राब हो सकती है। और ये कंपनी की तरफ से आपको इस हेडफोन में 1 साल के वारंटी भी मिलेगा, आपको पूरा 1 साल के वारंटी मिलती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस हेडफोन आप कंपनी जहाँ से खरीदते हैं उधर जाके आपको ये रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी जो सर्विस सेंटर है उधर जाके इसको रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड मेरी ये वीडियो देखने के लिए।